आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गिवन अ क्वेश्चन हियर। लेट द सिक्स नंबर्स a1, a2, a3, a4, a5, a6 बी इन द एपी, ओके? एंड a1 plus a3 इज गिवन एज इक्वल टू 10। इफ द मीन ऑफ दीज सिक्स नंबर्स इज गिवन एज 19/2, देयर मीन एंड देयर वेरियंस इज गिवन एज सिग्मा स्क्वायर, देन 8 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके? तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये a1, a2, a3, a4, a5, a6 एपी में, और a1 plus a3 6 10 है, और मीन ऑफ दीज सिक्स नंबर्स, ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन ऑफ दीज सिक्स नंबर मतलब इनकी सम का मीन, ओके? इनका सम कितना होगा, s6 हो जाएगा और उसका मीन डिवाइडेड बाई 6, तो वो किसके इक्वल दे रखा है अपन को, 19 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो s6 कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ पे देखो ये अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना 3 टाइम्स, तो s6 की वैल्यू हो जाती है 19, 3 57। अब देखो 9 s6 कितना हो जाएगा, sn कितना होता है, n बाई 2 टाइम्स 2a plus n minus 1 time. So now s6 can be written as equal to n by 2. It means 6 divided by 2 times 2a plus n minus 1 times of t. n minus 1 कितना हो जाएगा, देखो 6 minus 1 मतलब 5 times of t is equal to 57. Okay? तो देखो अब यहाँ से 6 by 2 it means 3. So 3 times of 2a plus 5t is equal to 57. Okay students, तो 2a plus 5d की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, 19 के इक्वलेंट आ जाती है, ये लेट्स से इक्वेशन 1। अब अपन को क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन दे रखी है, a1 plus a3 10 के इक्वलेंट है, a1 plus a3 ये किसके इक्वलेंट है स्टूडेंट्स, 10 के, ओके? तो देखो मैं a1 को तो क्या लिख सकता हूँ, a ही लिख सकता हूँ, तो a plus a3 को क्या लिख सकता हूँ, a plus 2d and is equal to 10, तो a plus a 2a plus 2d is equal to 10, तो a plus d की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, यहां से 5, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। नाउ यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं दैट विल बी आल्सो बेटर, तो देखो इसको ही अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दे, तो 2a माइनस 2a तो 0 हो जाएगा, 5d माइनस 2d इट मींस 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 तो मतलब 9, तो d की वैल्यू कितनी आती है यहां से, 3 आती है, ओके? इक्वेशन क्या किया अपन ने, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब यहाँ पर डी की वैल्यू है जो 3 है, उस इसमें पुट कर सकते हैं अपन, तो देखो तो 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 10, तो 2a की वैल्यू कितनी आती है, 10 माइनस 6 मतलब 4, तो a की वैल्यू आ जाती है अपने पास यहाँ पर 2, ओके? यहाँ पर लिख भी सकते हैं इन इक्वेशन 2। नाउ अगर ये a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 3 है, तो a1, a2, a3 कितना हो जाएगा, देखो a1 की वैल्यू कितनी आती है, a1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, a2 कितना होता है, a plus d, तो मतलब 2 plus 3, 2 plus 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a3 कितना आएगा, a2 plus d, तो a2 कितना है अपना 5, plus d कितना अपना 3 है, तो वो 8 आ जाएगा, ठीक है। a4 कितना आएगा बच्चों, a4 आ जाएगा अपना a3 plus d, a3 8 है plus d कितना है 3 है, तो 11 आ गया। A4, A5 कितना आएगा, A4 plus D, तो A4 11 है, plus D 3 है, 14, A6, तो A6 की वैल्यू लास्ट कितनी आ जाएगी, देखो 14 plus 3, it means 17, so these are the required series, okay, these are the required numbers of our arithmetic progression. Now, अब यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को, देखो कि जो numbers तो आ गए अपने पास, अब अपन को दे रखा है variance, तो sigma square का formula क्या होता है, देखो sigma of xi, ओके, xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा ऑफ xi होल स्क्वायर, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स है सबका होल स्क्वायर का सम, ओके, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, देन डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आएगा, ये डिवाइडेड बाई 6 आ जाता है, n की वैल्यू 6 माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई कितना था, अपन ने पहले ही देखा था सिग्मा ऑफ एक्स आई सबका सम का मीन था, वो तो ऑलरेडी अपन को दे ही रखा था, क्या 19 डिवाइडेड बाई 2, ओके, यहाँ पर n था, तो ये आ जाता है 19 डिवाइडेड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो सिग्मा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है,
देखो ये अपन को किस तरह सॉल्व करना है, इसमें अपन कैलकुलेट करते हैं कि 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लस 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196, प्लस यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ओके स्टूडेंट्स, देन ऑटोमेटिकली डिवाइडेड बाई 6 माइनस 19 का स्क्वायर कितना होता है अपना 361। ओके 19 का स्क्वायर हो जाता है अपना 361 एंड डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। ओके तो यहाँ से अगेन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं अपन। देखो 289 प्लस 196 प्लस 121 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 4, तो मतलब ये आ जाता है अपने पास 699 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 361 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 699 डिवाइडेड बाई 6 इट मीन्स 116.5 माइनस यहाँ पे कितना आएगा ये देखो 361 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाता है अपने पास 90.25। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर 116.5 माइनस 90.25, व्हाट वी विल गेट, इट विल बी इक्वल टू 26.25। ओके स्टूडेंट्स, अपन से क्या पूछा है, 8 सिग्मा स्क्वायर। नाउ सो 8 सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 26.25, 26.25 टाइम्स 8 इट मींस 210, तो इसका मतलब 210 इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन टू। ओके तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन, हैंस हैंस ऑप्शन टू इज करेक्ट एंड दिस इज गोना बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।